नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,467 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 354 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। इस महामारी से अब तक 4,35,110 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। बीते साल मार्च के बाद पहली बार देश में कोरोना के एक्टिव केस 1% से कम हो गए हैं। फिलहाल कुल मामलों के मुकाबले 0.98% ही एक्टिव केस बचे हैं। देश भर में फिलहाल कुल 3,19,551 एक्टिव केस हैं, जो बीते 156 दिनों का सबसे कम आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी डेटा के मुताबिक अब कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,24,74,773 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में 39,486 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। अब तक देश भर में 3,17,20,112 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे से बचने के लिए वैक्सीनेशन काफी तेजी से किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 63,85,298 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। देश में अब तक 58,89,97,805 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत में कल कोरोना वायरस के 16,47,526 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक 50,93,91,792 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। तो वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.90% है, जो कि पिछले 60 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.55% है, जो कि पिछले 29 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है। आने वाले दिनों में टीकाकरण की रफ्तार में और इजाफा होने वाला है। ऐसे में संभव है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार में और कमी देखने को मिले। और अगर सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में अब तक 64,28,294 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया जा चुका है और 1,36,067 लोगों की यहां कोरोना से मौत हुई है। दूसरा सबसे प्रभावित राज्य केरल है। यहां पर अब तक 38,27,688 लोगों को कोरोना हो चुका है और 19,584 लोगों की मौतें हुई हैं। इसी तरह 29,39,767 मामलों और 37,155 मौतों के साथ कर्नाटक तीसरे नंबर पर है, तो 34,734 मौतों के साथ तमिलनाडु सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। इसी तरह 29,39,767 मामलों और 37,155 मौतों के साथ कर्नाटक और 26,02,489 मामलों और 34,734 मौतों के साथ तमिलनाडु अगले दो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 3,643 लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया, वहीं 105 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कुछ महीनों से संक्रमण की रफ्तार काबू में नजर आ रही है। इसी तरह केरल में 13,383 लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया और 90 मरीजों की मौत हुई। वहीं कर्नाटक में 1,151 मामले सामने आए हैं और 10 मौतें हुई हैं। तमिलनाडु में 1,604 लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया और 25 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 के 17 नए मामले सामने आए और लगातार चौथे दिन संक्रमण से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।